Assalamu alaikum dear students, welcome to the Spark School and College. आज हम बात करेंगे first semester examination pattern की कि अब इस lockdown में इस pandemic situation में आपका paper कैसे बनेगा। सबसे पहले तो बताना चाहूँ बेटा 50 marks, 50 marks का आपका paper आएगा जो कि based होगा 25 MCQs पर। पर MCQs पे 2 marks हैं, clear? Okay. First of all हम आएंगे कि subject कौन सा है, ethics। ethics किस क्लास का? 6, 7 and 8। सबसे पहले आपको follow करना है, हम तैयारी की तरफ बाद में जाते हैं, पहले आते हैं कि हमें follow किसको करना है, किस तरीके से अपनी preparation करनी है at home सुबह के paper के लिए। सपोज करें आपका एथिक्स का पेपर है सुबह को, आज शाम को आपको तैयारी करनी है घर पे, तो आप फॉलो करेंगे सबसे पहले बुक को, स्कीम, वीडियो लेक्चर्स ऑफ टीचर्स एंड प्रीवियस सॉर्ट पेपर ऑफ सेकंड एंड थर्ड मंथली असेसमेंट। इन चार चीजों को आप फॉलो करेंगे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टीचर्स ने जो आपके लिए वीडियोस बनाए हैं उसको देखें। स्कीम आपको स्मार्ट स्कीम भी दी हुई है, एथिक्स की स्कीम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, वो आपको पढ़नी है। अब आते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, उन सब में से हमने एमसीक्यूज कैसे बनाने हैं तो हम आपको बताते हैं। 6th क्लास का पहला लेसन है वी आर फैमिली, उसमें से मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक एमसीक्यू बनाया है। शी टेक्स केयर ऑफ यू फ्रॉम फर्स्ट ब्रीथ, बर्थ एंड बी बोथ। आपको ये देखना है कि हमने वो लेसन पढ़ा है कि हमारी माँ, हम जब पैदा होते हैं बर्थ होती है हमारी, उसके बाद हम पहली सांस जब दुनिया में लेते हैं तो उस पहली सांस से लेके जितनी जिंदगी हमारी होती है हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, वो फर्स्ट ब्रीथ हो या हमारा जन्म हो, क्लियर? तो इसका ऑप्शन आप टिक करेंगे बोथ ए एंड बी। ओके, 7th क्लास में से मैंने लिया है व्हाट हेरा स्टोलन फ्रॉम जोया, ए आइडियाज, बी मोबाइल, सी पर्स। हमने एक्सप्लेन आपको किया है कि जोया और हेरा दोनों फ्रेंड्स थी, फिर हेरा ने जोया से उसके आइडियाज चुराए थे, तो हम टिक करेंगे आइडियाज को। नंबर 3, हाउ नोबलमैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू फार्मर फ्लेमिंग। हमें पता है कि एक टेरिफाइड लड़का, एक परेशान लड़का जो चीख रहा था खेतों में, तो ये फार्मर फ्लेमिंग अपनी खेत में काम कर रहा था, लड़के की चीखें सुनी थी, उसको बचाया था, तो उस लड़के का बाप जो नोबलमैन था वो फार्मर फ्लेमिंग के गेट पे आया और उसको अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराया ये सवाल पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन है फादर ऑफ टेरिफाइड बॉय, ब्रदर ऑफ टेरिफाइड बॉय, सी नन ऑफ दीज। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैं टेरिफाइड बॉय जो था, जिसने आपने जिसको सेव किया था, बचाया था, मैं उसका बाप हूं, तो इसका जवाब होगा फादर ऑफ टेरिफाइड बॉय। ओके, द लास्ट वन इज ऑलवेज वी शुड हेल्प टू डिश, हमेशा हमें मदद करनी चाहिए, किनकी? रिच पीपल, पुअर पीपल, सी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आएगा ये हमारा लिखा हुआ है पुअर पीपल। मैं इजाजत दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज।